मध्य प्रदेश की दो महिला विधायकों के साथ एक ही दिन दो अलग अलग हादसों ने विधानसभा भवन के वास्तु को लेकर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले मंत्री विजय लक्ष्मी साधो के कंधे में हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ और कुछ घंटे बाद ही विधानसभा की डिप्टी स्पीकर हिना कांवरे की फॉलोअप गाड़ी का एक्सीडेंट। ये हादसे नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रहे हैं। इन हादसों के बाद कांग्रेस ने विधानसभा में वास्तु दोष को दूर करने की मांग की है। वास्तु दोष को लेकर बीजेपी ने भी कांग्रेस के सुर से सुर मिलाया है। पहले चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजय लक्ष्मी साधो, फिर विधानसभा डिप्टी स्पीकर हिना कांवरे। इनसे विधायकों के मन में आशंका खड़ी हो रही है कि कहीं विधानसभा भवन में वास्तु दोष तो नहीं है। इन आशंकाओं के बीच कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के नेताओं ने भवन में वास्तु दोष दूर करने की मांग की है। ऐसा पहली बार नहीं है कि एमपी विधानसभा भवन में वास्तु को लेकर सवाल खड़े हुए हो। इससे पहले भी कई बार विधायकों की ओर से वास्तु दोष को लेकर शंकाएं जाहिर की गई और उन्हें दूर करने के लिए विधानसभा में पूजा पाठ कराया गया। एमपी विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन 1996 में हुआ था। दो दशक में ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक मध्य प्रदेश विधानसभा भवन में तीन मुख्य वास्तु दोष हैं। पहला, विधानसभा भवन गोलाकार है, इसके चारों कोने कटे हुए हैं, जबकि नाभि स्थल ब्रह्म स्थान सबसे नीचा होता है। दूसरा, दक्षिण पश्चिम दिशा के द्वार से आने वाली सड़क में भी वास्तु दोष है। तीसरा, भवन के पास स्थित छोटा तालाब भी वास्तु दोष का कारण है। अतीत की घटनाएं और मौजूदा सदस्यों के साथ हो रहे हादसों का क्या वाकई में वास्तु दोष के साथ कोई कनेक्शन है या फिर ये महज अंधविश्वास है? हकीकत जो भी हो, फिलहाल नेताओं की ओर से मांग उठ रही है कि अगर हादसों के पीछे वजह वास्तु दोष है तो फिर किसी बड़ी दुर्घटना से पहले इसे दूर किया जाए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।